आज अभी देखिए बारिश हो रही है और मैं आ रखा हूँ एली को घुमाने। और कल मैं पहुँच गया था कोटद्वार से शाम को 5:30-6 बजे पूरे रास्ते। एक्चुअली 10th, 11th, 12th 3 साल का क्लासमेट है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम राइडर फाइंडिंग हैप्पीनेस। दिस इज तरनेश चौहान और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और आज अभी देखिए बारिश हो रही है और मैं आ रखा हूँ एली को घुमाने। और कल मैं पहुँच गया था कोटद्वार से शाम को 5:30-6 बजे पूरे रास्ते भर बारिश थी, इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई। तो अभी भी बारिश हो रही है आज, सो अभी भी बारिश हो रही है और मैं एली को घुमाने आ रखा हूँ। और कोटद्वार से आने के बाद एज़ यूजल मेरा डेली का रूटीन वही, एली को घुमाना, फिर थोड़ा आराम करना, फिर दुकान खोलना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो अभी अली को घुमाते हैं, फिर मिल बात करते हैं आपसे। तब तक आप बारिश के मज़े लीजिए। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अली को घुमा के और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं पूरा भीग गया हूँ। अभी मैं थोड़ा कप तौलिए से पूछता हूँ, फिर उसके बाद आराम करता हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद खोलेंगे दुकान, तब मिलते हैं आपसे। सो गाइस, मैंने दुकान खोल दी है और अभी बैठा हूँ मैं दुकान में। आवाज़ थोड़ा एको कर रही होगी क्योंकि कमरा मतलब दुकान जो है उसमें सामान थोड़ा कम है, तो आवाज़ एको कर रही होगी। और पहाड़ों से आके मतलब अजीब सा लग रहा है, डेली रूटीन वही फिर से स्टार्ट। मतलब पहाड़ों में तो सुकून है ना, मतलब जो लाइफ पहाड़ों की है वो है ही नहीं कहीं। बस थोड़ा सुविधा और हो जाती वहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ रहने में, थोड़ा सुविधाओं की कमी है इसलिए लोग पहाड़ों से प्लेन की तरफ आते हैं। बट अब तो हर जगह रोड चली गई है, हर गाँव में रोड चली गई है, तो इतना दिक्कत नहीं होती है। बस घर आया, दुकान में बैठा, पीछे से बाइक को बैकग्राउंड नॉइज़, तो अब ये सब तो झेलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि पहाड़ों में अब तो सड़क आ गई है, खैर हर गांव में सड़क है। मैंने जितना अभी तक कल परसों नरसों में देखा, हर गांव में सड़क, तो इतना मतलब अब खुद के करने वाले पे भी डिपेंड है कि वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है, इतना भी डिपेंड करता है। तो अभी मैं थोड़ा बैठा हूँ दुकान में और आज मार्केट जाऊँगा और अपनी गाड़ी में आगे विंडशील्ड लगाने की सोच रहा हूँ मैं। तो मार्केट जाऊँगा और देखूँगा मेरी बाइक के लायक विंडशील्ड होगी तो लगा दूँगा, नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते, बाद में लगाऊँगा जब चला जाऊँगा जॉब के लिए। अभी अभी 2-3 दिन पहले देख रहे होंगे कि आप वीडियो जो है वो बहुत लेट आ रही थी, मतलब 3 दिन का मेरे ख्याल से गैप रहा हुआ बीच में। तो अब मैं घर आ गया हूँ तो अब डेली डालूंगा, चाहे कैसे भी डालूँ। नेटवर्क तो खैर यहाँ भी नहीं आते हैं, हल्के बहुत आते हैं। तो अब जाऊँगा कहीं डाउन अपलोड करने के लिए इधर उधर, तो अब रोज आएंगे ब्लॉग, ठीक है। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, और अभी शाम के बज रहे हैं 4:45 और दिन भर से मैं आराम ही कर रहा था। दिन में बस अपनी बहन के साथ वैक्सीन लगवाने गया था उसकी, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरे नंबर से ही हो रखा था, तो उसके साथ गया था। और अभी हो रही है बारिश, हल्की बूंदाबांदी हो रही है,
और अभी मैंने शिवम को फ़ोन करा था तो वो कह रहा है कि, मैंने कहा कि बहुत दिनों बाद याद कर, मतलब भूल गया है क्या, तो बोल रहा है कि तू दिल्ली चला गया था। मैंने ऐसे ब्लॉग में एक बार बोला था ना जब मेरी सेकेंड डोज लगी थी, तो उसने सोचा कि मैं सच में चला गया हूँ। तो ऐसी चीज़ों के अपडेट के लिए मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ, सो मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, द 20th अल्फ़ाबेट और तरुणेश चौहान सर्च करिए, मैं आपको मिल जाएगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाइए और फॉलो कीजिए। तो अभी वो आ रहा है, फिर मिलते हैं और उससे मिलवाते हैं आपको। बहुतों ने पूछा मुझसे कि कौन है शिवम चौधरी जो तेरे साथ घूमता रहता है, तो मैं उससे मिलवाऊँगा अभी आपसे, आने दो उसे बस। और आई हो जब तक वो आता है तब तक मैं अली को घुमा लेता हूँ, तब मिलाता हूँ आपसे। वैसे अभी हम शिवम के घर पे, शिवम के घर आया था, ये रहा शिवम, ये मेरा एक्चुअली 10th 11th 12th 3 साल का क्लासमेट है। बाकी मैंने तो उस टाइम मैं नहीं था ना वो तो तूने अपने शौक के लिए करी, बाकी पास तो ही गया था ये है शिवम और क्लासमेट है, सीधी बात। मेरी दोस्त आई है, तो अभी चाह रहे हैं हम देहरादून, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने, अगर हो गया तो दुकान खुली रही तो, क्योंकि आज शनिवार है, मुश्किल है कि दुकान खुली होगी, ताला तो लगा दे। तो यहाँ से कराते हैं सर, मैं तो कब से 11वीं 12वीं से यहीं से करा रहा हूँ। गाइस अभी हमें देहरादून बाइक का मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, आपने वीडियो में देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें मैंने वाइजर लगवा दिया, विंडशील्ड और एक लेग गार्ड में रैप करा रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट, देखते हैं कैसी लगती है। बाकी अभी 2-3 स्टिकर लगवाऊंगा तब जाते हैं घर को। अभी चलिए अभी मैं दुकान में बैठा हूँ ताकि बाहर की नॉइज़ ना आए ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। बाकी आपको दुकान मैंने दिखा दी है, कोई भी काम कराना हो चले जाना, रीज़नेबल रेट है, रीज़नेबल क्या चीप ही रेट है, मतलब चीप रेट बेस्ट क्वालिटी। देहरादून ये आपका अब्दुल्ला वेडिंग के सामने है, मैं आपको दुकान का नाम भी बता दूँगा, मिलते हैं आपसे। अभी मैं अपने कुत्ते के लिए साबुन लेने के लिए रुका था, तो मैंने साबुन ले लिया साबुन, और चेन देखी मैंने एक दो पर पसंद नहीं आई, वेटिंग फॉर फ्यूल। थैंक यू फुल, हाँ थैंक यू फुल 200। मैं मॉडिफिकेशन करा के आ चुका हूँ अभी घर पे, तो अभी 9:30 बजे आया था मैं, और खाना वगैरह मैंने खा लिया है,
तो मैंने जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने विंडशील्ड और लेग गार्ड में रस्सी रोप वगैरह लगाई और एक स्टिकर लगाया। तो कल सुबह मैं आपको बाइक में दिखाऊंगा सही से एकदम। वैसे तो आपने वीडियो में देख ही लिया पीछे, बट मैं कल सुबह दोबारा दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।